मैंने एक किताब पढ़ी है भूपेन हजारिका एज आई न्यू हिम बाय कल्पना लाजमी। इस किताब में ऐसी जानकारी मिली मुझे जिसे आपके साथ शेयर करना मैं चाहता हूँ। दोस्तों, बात उस समय की है जब असम में अशांति फैली हुई थी। वो राज्य बहुत डिस्टर्ब था बिकॉज इलीगल माइग्रेंट, वहाँ बांग्लादेशी काफ़ी सारे आ गए थे, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस, सोशल इम्बैलेंस हो गया था उस राज्य में। दोस्तों, उस दौर के महान कलाकार भूपेन हजारिका ने इंदिरा गांधी के मौजूदगी में इंदिरा गांधी के सामने एक ऐसा गाना गाया जिससे इंदिरा गांधी नाराज़ हो गई। दोस्तों, ऐसा करने के लिए बहुत करेज, हिम्मत की ज़रूरत होती है, खासकर अगर आप एक कलाकार हैं तो। लेकिन भूपेन हजारिका इसलिए महान माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से असम की आवाज़ को बुलंदी से उठाया बिना किसी से डर के। तो दोस्तों, मैं उस वाक्यांश के बारे में आपको बताता हूँ कि AICC कमेटी गुवाहाटी में एक फंक्शन करवाई थी। उस फंक्शन में गाना गाने के लिए मौजूद थे हजारिका। हजारिका ने इंदिरा गांधी के मौजूदगी में गाना गाया गंगा बहती हो क्यों। उस गाने में ऐसे लिरिक्स हैं जिससे कि सत्ता को चुनौती दी जाती है। दोस्तों, इस गाने के बाद इंदिरा गांधी खुद स्टेज तक जाती है और भूपेन हजारिका को हाथों को पकड़कर कहती है कि भूपेंदा, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल एनिमी लाइक यू हु इज ऑनेस्ट, करेजियस एंड ग्रेसियस कंपेयर टू माई अदर फ्रेंड्स आई हैव। आई एम सेफर विद एनिमीज लाइक यू दैन द फ्रेंड्स आई पोजेस। उन्होंने भूपेन हजारिका के हाथ को पकड़ के कहा कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे ईमानदार, हिम्मत वाला दुश्मन मुझे दिया है। आपके जैसे दुश्मन के हाथ में मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। दोस्तों, ये वाक्यांश दिखाता है दो महान व्यक्ति जब मिलते हैं कितना ग्रेसफुली मिलते हैं। हजारिका भी बहुत महान थे और इंदिरा गांधी भी। इंदिरा गांधी ने भी ग्रेसफुली स्वीकार किया कि उन जो भी अपने गाने के जरिए हजारिका कह रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।